क्वाड्रिसेप्स फेमरस जो है वो बड़ा है, इसलिए वो लॉकर है। क्वाड्रिसेप्स फेमरस जो है वो लॉकर है, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स फेमरस वो बड़ा मसल होता है ना, पपलिटियस छोटा, ठीक है। तो ताला खुलने का मतलब क्या होता है, ताला सॉरी बंद करने का मतलब क्या होता है, लॉकिंग, ठीक है। तो पपलिटियस बेसिकली इंट्रा आर्टिकुलर भी है, ताले के अंदर भी जा रहा है इसने, तो ये इंट्रा आर्टिकुलर भी है, इंट्रा आर्टिकुलर भी है। पपलिटियस इज इंट्रा आर्टिकुलर, पपलिटियस इज इंट्रा आर्टिकुलर। और क्वाड्रिसेप्स फेमरस और पपलिटियस को कंफ्यूज नहीं करना प्लीज। विच स्ट्रक्चर इज डैमेज फाउंड टू सेंटीमीटर फाउंड अपेंडिक्स एट द एंटीमेजेंटरिक बॉर्डर, ये सब कोई पता है, मैकल वर्टिकल वो 2 वाला फार्मूला, 2% पॉपुलेशन, 2% प्रॉक्सिमल 12 से इक्वल 2 इंचेस लॉन्ग, ये सारे को पता ही है, ठीक है। बेस्ट सपोर्ट्स द डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसाइथेमिया इज इंक्रीज रेड सेल मास, रिपीटेड है, इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट एपिकल लेयर ऑफ दिस सेल्स, ठीक है। तो सिलिएटेड सेल्स होते हैं ना, उनकी एपिकल लेयर में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, उनकी उनकी एपिकल लेयर में। हॉर्नर सिंड्रोम में कॉमनेस्ट फाइंडिंग क्या होती है, ये वाला एमसीक्यू था, इसमें अब एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग नहीं है, इसमें होगा ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड ऑन द अफेक्टेड साइड, दिस इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो ये वही चीज दोबारा रिपीट हो गई। अच्छा, सी ए ब्रेस्ट है, रीजन इसका क्या, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। अगर वो कहे कि इसके मेटास्टेसिस का वो क्या था, तो वो वीनस, वीनस वीनस वाला जो ऑप्शन है ना, वीनस कम्युनिकेशन, वो उसका मेटास्टेसिस का कॉमन रूट होता है, ठीक है। लेकिन एडिमा कौन करता है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, पेज नंबर जी 277, एमसीक्यू नंबर 166। मैलर रैश है, एंटी डीएसडीएनए पॉजिटिव है, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली कॉज इसका क्या होगा, कॉज इसका होगा ल्यूपस नेफ्राइटिस, ठीक है। तो उसके बाद जॉ का क्लॉडिकेशन, जॉ क्लॉडिकेशन हमेशा जॉइंट सेल आर्थराइटिस में होती है जी, ठीक है, क्रोनिक हेडेक, और ये जॉइंट सेल आर्थराइटिस में ही होनी है। विद डिजीज एसोसिएटेड विद जॉइंट सेल, बर्न ओवर क्रिएटिनिन रेशियो ग्रेटर देन 20 विल कॉज, ठीक है, ग्रेटर देन 20 जो होती है ना, बर्न ओवर क्रिएटिनिन रेशियो, वो क्या शो करती है, ठीक है। एजोटिमिया, एजोटिमिया तो होता है लेकिन प्री रीनल या पोस्ट रीनल, तो दिस इज प्री रीनल एजोटिमिया, ठीक है। प्री रीनल एजोटिमिया जो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, बर्न ओवर क्रिएटिनिन रेशियो, बर्न ओवर क्रिएटिनिन रेशियो, हाँ जी पेज 277, बर्न ओवर क्रिएटिनिन रेशियो ग्रेटर देन 20 होती है, ये भी एमसीक्यू रिपीटेड है। क्या लगता है, पार्ट वन बहुत मेहनत से पास होता है पार्ट वन बहुत मेहनत से पास होता है, या लक या बोथ। मेहनत कभी भी जाया नहीं होती बच्चों, मेहनत कभी भी जाया नहीं होती, और कोई भी एग्जाम जो है वो इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकता कि आपने मेहनत की है या नहीं, ठीक है। तो बिलीव मी, आज का पड़ाव जिंदगी में कभी ना कभी आपके काम जरूर आएगा, ठीक है। ख्वाब वो आपकी कभी फील्ड में काम आए, ख्वाब वो कभी किसी की जान बचाने के काम आए, ख्वाब वो आपके अपने लिए काम आए। तो कभी भी इस तरह नहीं होता कि आप किसी चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट करो, किसी चीज़ पे मेहनत करो और वो वेस्ट हो जाए, ठीक है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिन्होंने शायद पार्ट वन के लिए पढ़ा था और आज वो पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज में बैठे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि कभी ये नहीं सोचना कि पार्ट वन मेहनत से पास होता है या लक से पास होता है, पहले बस ये सोचना है कि हमने मेहनत करनी है, आगे अल्लाह ताला जो करेंगे वो मेरे हक में बेहतर होगा, आगे अल्लाह ताला जो करेंगे वो मेरे हक में बेहतर होगा। अगर अल्लाह ताला को लगेगा कि हाँ ये डिजर्व करता है कि अब इसका पार्ट वन पास हो जाना चाहिए, तो अल्लाह ताला मेरे हक में वो जो बेहतर होगा वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला से राबता हो, और अल्लाह ताला से राबते का बेहतरीन जरिया नमाज है, बेहतरीन जरिया नमाज है, सिंपल इज दैट। बिलीव मी, आप परेशान नहीं होंगे, आप इस तरह के क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे जब आप नमाज में बाकायदगी से दुआ करना शुरू कर देंगे, एक अजीब सी आपके अंदर पावर आना शुरू हो जाएगी कि यस आई कैन अचीव एनीथिंग। एफसीपीएस क्या चीज है अच्छा, मैस नियर पोटा हेपेटस स्ट्रक्चर डैमेज्ड विल बी, ठीक है। जो पोटा हेपेटस के इर्द गिर्द जो भी मैस होगा वो पोर्टल वेन, पोटा हेपेटस पोर्टल वेन, पोटा हेपेटस पोर्टल वेन, कोई मसला नहीं, ठीक है, पोटा हेपेटस पोर्टल वेन। अभी मैंने आप सबका टेस्ट लेना है 10 मिनट में, प्लीज प्लीज बी कंसंट्रेट, बी कंसंट्रेट अच्छा, कैप मैसेंजर जो होता है वो किसके थ्रू एक्ट करता है, जो साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम होता है वो रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करता है, वो रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करता है। B12 कैरियर फैक्टर, B12 कैरियर फैक्टर। अच्छा बच्चों, कैरियर का मतलब क्या है, कैरियर का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो
क्या होगा कि जो B12 की ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन है या उसका कैरियर है, वो ट्रांसकोबालामिन 2 होगा, ट्रांसकोबालामिन 2 होगा, TC12, TC2, ठीक है, TC2। ट्रांसकोबालामिन 2 जो होता है वो B12 का कैरियर होता है, B12 का कैरियर होता है। जो B12 में आई है ना, उसको T बना दो, तो ट्रांसकोबालामिन 2, T2, ट्रांसकोबालामिन 2, ठीक है। B12 का जो आई है उसको टी बना दो, तो ट्रांसकोबालामिन 2, ठीक है। ट्रांसकोबालामिन टू जो होता है वो फॉर B12 ट्रांसपोर्टेशन होता है। अच्छा, अब इंट्रेंसिक फैक्टर क्या करता है? इंट्रेंसिक फैक्टर बेसिकली उसकी अब्सॉर्प्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। इंट्रेंसिक फैक्टर उसकी अब्सॉर्प्शन में हेल्प करेगा। विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट्स अब्सॉर्प्शन जो होती है वो टर्मिनल आइलियम में होती है। सेकेंडरी टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद एक खतरनाक चीज होती है, हीमोग्लोबिन यूरिया। वट इज द कॉज ऑफ सर्वाइकल डिस्प्लेजिया, IUCD? अगर IUCD का वो ऑर्गेनिज्म पूछे तो एक्टिनो इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन IUCD इम्प्लांट्स, ठीक है, एंड हैव सल्फर डेंस येलो ग्रेन्यूल्स। अच्छा जी, डिस्प्लेजिया जो है ह्यूमन पेपिलोमा 16 और 18 की वजह से होता है, ग्रेटर देन IUCD। और मेटाप्लेजिया जो होता है वो एम से मेटाप्लेजिया, एम से मल्टीपैरिटी। तो यहाँ पे अगर उसने डिस्प्लेजिया पूछा है तो वो IUCD की वजह से होगा। अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता तो हमने हमने पीछे पढ़ा था सर्वाइकल कैंसर और डिस्प्लेजिया कौन करवा रहा था? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। लेकिन यहाँ पे बच्चों ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का तो ऑप्शन ही नहीं है। यस, ह्यूमन पेपिलोमा 2 उसने दिया हुआ है। टू ह्यूमन है सर, ये जेनिटल हर्पीस करा था। पेपिलोमा 16 और 18 करते हैं, ठीक है। HPV 2 उसने जरूर दिया हुआ है फॉर कंफ्यूजन, बट HPV 16 और 18। अच्छा, 16 और 18 में भी मैंने आपको बताया था कि 16 जो है वो एस से 16, एस से स्क्वेमस, स्क्वेमस कैंसर करता है, और जो 18 है ए से 18, ठीक है, तो वो क्या करता है, 18 वाला एडिनो, ठीक है, एडिनो। मल्टी मेटाप्लेजिया जो है वो मल्टीपैरिटी, एम से मेटाप्लेजिया, एम से मल्टीपैरिटी। एप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर ग्रोथ डेफिशिएंसी इज इंसुलिन स्टिमुलेशन टेस्ट, ठीक है जी। पॉपुलेशन है 1 मिलियन, देर वर 100,000 फीमेल्स इन चाइल्ड बेरिंग एज एंड 100,000 चिल्ड्रन वर बॉर्न लाइव इन ईयर 2000। मटर्नल मोर्टेलिटी रेट उसने कहा कितना होगा, ठीक है, टोटल 50 वुमेन डाइड। तो आप जितना उसने दिया है ना वो 100,000, ठीक है, 100,000 को नीचे वो न्यूमिरेटर में, डिनोमिनेटर में ले जाओ और न्यूमिरेटर में 50 को ले जाओ, तो 50 का 1 0 कैंसिल हो जाएगा और नीचे पॉपुलेशन वाले का 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/100 100, मतलब वही 1 0 उसका कम हो गया। इंजरी टू इलियो इंग्वाइनल नर्व, तो मैंने आपको बताया था इलियो इंग्वाइनल नर्व ने क्या करनी है, मीडियल थाई की सेंसेशन और साथ क्रिमेस्टेरिक रिफ्लेक्स भी लॉस होगा। और हमें पता है कि इलियो इंग्वाइनल इंग्वाइनल कैनाल के अंदर भी होती है।